गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PNMRC ई लर्निंग क्लासेस। आई वंदना यादव, योर साइंस टीचर, इज गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस एंड दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3। Since only a few centimeter of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. So, as you all know that only up to few centimeter, kuch centimeter jo hai, tak hi top layer of the soil jo hai, wo aapki fertile hoti hai, jo support karti hai plant ke growth ke liye. तो उसको टर्न करना, उसको लूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी जो प्लांट को या क्रॉप को ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में ले पाएंगे। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। सो टर्निंग करना और लूज़ करना क्रॉप को, वो कल्टीवेशन का एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे हमें करना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अंडरलाइन दिस। तो ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉइल को टर्न करते हैं, ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं, नीचे से ऊपर लेके आते हैं और उसको लूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, हल, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हल। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। पहले ज़माने में जो प्लो होते थे वो किसके बने होते थे, वुड के बने होते थे, और जिनको गाय, जिनको बैल जो है वो उसको खींचा करते थे। पर आजकल के जो प्लो होते हैं वो किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, और उसको खींचने वाला कौन होता है, आपका ट्रैक्टर। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर आपकी सॉइल जो है बहुत ही सूखी हुई है तो प्लो करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सॉइल है, अपनी जो फील्ड है, उसके अंदर वाटरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा पानी देना पड़ेगा, उसे गीला करना पड़ेगा। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। अब क्योंकि जो प्लोड फील्ड, तो हम फील्ड को प्लो करेंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े मोटे मोटे जो जो सॉइल के हैं पूरे पत्थर जैसे निकलेंगे, ढेले जैसे निकलते हैं, उसको भी हमको तोड़ के बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में उसको लेके आना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स। इसको हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन क्रम्प्स को तोड़ें और उनको लूज़ करें, उनको पाउडर फॉर्म में लेकर आएँ। लेवलिंग द सॉइल इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। उसके बाद प्लोइंग करने के बाद हमें क्या करना होगा, सॉइल को लेवल करना होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और जो लेवलिंग होती है सॉइल की, वो किसके द्वारा होती है, लेवलर के द्वारा होती है। समटाइम मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कई बार क्योंकि सॉइल अगर बहुत ही बैरन है, बहुत ही सूखी हुई है, तो क्या करना पड़ता है, कई बार ऐसा करना पड़ता है कि टिलिंग करने से पहले, उसको प्लोइंग करने से पहले हमको उसके अंदर क्या डालना होता है, मैन्यूर डालने होते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल। इसकी वजह से जो मैन्यूर है वो आराम से, बहुत अच्छी तरीके से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टर्ड बिफोर सोइंग। और सोइंग करने से पहले, सीड्स को उगाने से पहले, बोने से पहले, हमें पहले सॉइल को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको गीला करना पड़ता है। तो मैंने क्या बताया, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले तो सॉइल को ब्लो करेंगे जिससे कि स्लो सॉइल जो है वो लूज़ हो जाए और उसके अंदर एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाए। उसके बाद उसको लेवल करना पड़ता है, लेवल करने से इरीगेशन प्रॉपरली हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी ऐड करना पड़ता है जिससे कि जब हम सो करें सीड को, तो उसे पहले जो सॉइल है वो मॉइस्टेंड हो जाए। और अगर आपकी सॉइल पहले से ही अगर बहुत ड्राई है, तो प्लोइंग करने से पहले आप उसको थोड़ा सा जो है उसको वाटरिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर मैन्यूर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिशन पावर को बढ़ा सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। So before sowing the seed, it is necessary to break soil crumbs to get better yield. तो जैसे मैंने आपको बताया, सो करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल को तोड़ना पड़ेगा, उसको पाउडर फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, उसको लेवल करना पड़ेगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको बहुत सारे टूल्स जो है यूज़ करके हम उनको
जो आपका क्रम्स हैं, सॉइल के क्रम्स हैं, उनको तोड़ सकते हैं. द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, होए एंड कल्टिवेटर. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्लो. दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल. पुराने ज़माने से हम इसको यूज़ करता चले आ रहे हैं. पुराने ज़माने में जो बैल से खींचने वाले हल थे, वुड के बने हुए, वो इस्तेमाल किए जाते थे. पर आजकल किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रैक्टर से खींचने वाले आयरन के प्लो यूज़ किए जाते हैं. एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम. दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स. तो जो पहले पुराने ज़माने में एंशियंट प्लो हुआ करते थे, वो किसके द्वारा खींचे जाते थे? या तो बैल यूज़ करते थे, या उसकी जगह हॉर्सेज या कैमल्स या कोई और एनिमल उसकी जगह इस्तेमाल किया जाता था जो प्लो को चलाता था. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर. As you can see in the picture, प्लोशियर को आप देख सकते हैं, उसके देख ट्राइंगुलर पार्ट है जो कि वुड का बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लोशियर. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. और देखो लंबी सी एक उससे जुड़ी हुई पिक्चर में आप देख सकते हो, लंबी सी जुड़ी हुई एक डंडी है उसके साथ में, दैट इज़ कॉल्ड एज plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. और एक handle है उसके shaft के, जो plow shaft है उसके एक end पे एक handle जैसा है जो कि बैल के गले के ऊपर रखा जाता था. The other end is attached to the beam which is placed on the bull neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. और plow को operate करने के लिए, plow को चलाने के लिए दो bulls की ज़रूरत होती थी और एक आदमी की ज़रूरत होती थी. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाने वाले हल की, प्लो की. द इंडिजिनस वुड प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज. पर अब जो ये जो प्लो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, अब उसकी जगह कौन सा आयरन से बने हुए प्लो का इस्तेमाल किया जाने लगा. नेक्स्ट आवर इम्प्लीमेंट इज़ हो. इट इज़ अ सिंपल टूल which so ho it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ho ka istemal hota tha weeds ko remove karne ke liye aur loose karne ke liye soil ko. it has a strong rod of wood or iron. so student, in detail we will study about ho. so it has a long rod of wood or iron, a strong rod and a bent plate of iron is fixed to one of its end, and it works like a blade. it is pulled by animals. अब आप हो को भी देख रहे हो, ये भी animals के द्वारा pull किया जाता था. इसके अंदर भी picture है आपको, इसके अंदर एक बेंड प्लेट है, बीम है, हैंडल है, ग्रिप है. इसको भी हम कैसे इस्तेमाल करते थे? ये भी एक प्लो है मेड अप ऑफ आयरन, और किसके द्वारा खींचा जाता था? बाय एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट इज अ कल्टीवेटर. नाउडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. आजकल के ज़माने में वो पुराने ज़माने जैसे वुडन प्लो और बैल से खींचने वाले जो प्लो होते हैं उसका इस्तेमाल अब नहीं होता, उसकी जगह अब यूज़ होता है कल्टीवेटर. और वो किससे होता है? मशीन के द्वारा होता है. जो आपने देखा होगा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे एक जो है आपका कल्टीवेटर लगा होता है. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. इसके इस्तेमाल करने से मैनुअल वर्क भी कम होता है और साथ में टाइम की भी बचत होती है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग. सोइंग मतलब आपका सीड्स का फील्ड के अंदर बोया जाना, दैट इज़ कॉल्ड अ सोइंग. सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर सोइंग द सीड, द गुड वेराइटी ऑफ सीड, गुड क्वालिटी ऑफ सीड, इट शुड बी क्लीन एंड हेल्दी शुड बी टेकन. Farmers prefer to use seed which give high yield. Farmers उन seeds को prefer करते हैं जो कि ज़्यादा पैदावार देते हैं. Yield मतलब पैदावार देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा crop जो है वो grow कर सके. Now selection of seeds. Seed का selection होता कैसे है?
Are there seed which floats on water? Take a beaker filled half of it with water. Put a handful of wheat seed and stir well. Wait for some time. कुछ एक आप क्या लो, एक बीकर लो और उसके अंदर पानी भर दो, और आपने एक मुट्ठी भर आप वीट लो और उस जो है आप उस पानी के अंदर, उस बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर वो मुट्ठी भर जो वीट है वो डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि कुछ वीट जो है वो डूब जाएंगे पानी के अंदर और कुछ वीट के जो सीड्स हैं वो पानी में तैरेंगे। जो फ्लोट करेंगे सीड्स दैट आर अनहेल्दी सीड्स एंड विच सिंक्स इन वाटर दे आर हेल्दी सीड्स। सो द सीड विच फ्लोट ऑन वाटर आर अनहेल्दी सीड। वुड दो सीड बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? वाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं जो कि किसी इंसेक्ट्स के द्वारा खा लिए जाते हैं या ख़राब हो गए होते हैं, तो वो अंदर से हॉलो हो गए होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में तैरने लग जाते हैं, वो अनहेल्दी होते हैं, वो ग्रो हो ही नहीं पाएंगे। और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीड कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, कौन से सीड्स को हम ग्रो करने के लिए लायक समझते हैं, किसको हम लायक नहीं समझते। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। Before sowing, one of the important task is to know about the tools used for sowing seed. और सीड को सो करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन सा टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं सीड को सो करने के लिए। So student, this is the end of today's video. We will meet again tomorrow with the continuation of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.